अब हम सीखने वाले हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जब हम ईमेल किसी को सेंड करते हैं, ईमेल कैसे सेंड करना है बेसिकली मैंने आपको बताया है, तो ईमेल जब सेंड करते हैं तो हमें सिग्नेचर कैसे ऐड करनी रहती है और कुछ चीज़ें और भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए आउटलुक फटाफट स्टार्ट कर देता हूं जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है। यहाँ पे आउटलुक में आ चुका हूं। ईमेल सेंड करने के लिए आपको जाना होता है न्यू ईमेल में, जो कि यहाँ पे आपको मैंने फोकस करके पहले ही बताया। जैसे आप क्लिक करोगे न्यू ईमेल का ये डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें हमने अटैचमेंट लास्ट टाइम देखा था, अटैचमेंट कैसे ऐड करना है मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अटैच आइटम भी ऑप्शन है, तो अटैच आइटम पहले देखते हैं फिर बाद में सिग्नेचर देखते हैं। यहाँ पे अटैच आइटम में आप बिजनेस कार्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने बिजनेस कार्ड बनाया होगा तो आगे चलकर हम वो भी देखेंगे कि कॉन्टैक्ट बिजनेस कार्ड वगैरह कैसे ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले, वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं, लुक एट देयर। अगर आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करते हैं तो कैलेंडर का पर्टिकुलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कैलेंडर है टुडे और टुमारो और नेक्स्ट सेवन डेज है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर आप कैलेंडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब उसका फ्री बिजी या 1082 वर्किंग एल्सवेयर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, शो टाइम विद इन माई वर्किंग आवर्स, तो उतना वर्किंग आवर्स का टाइमिंग वहाँ पे कैलेंडर का शो होगा और वो पीरियड वो पर्टिकुलर चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएगी आपने जो सेट की रहेगी। अभी फिलहाल मैंने कुछ सेट नहीं किया है इसमें, बस वर्किंग टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें दिखाई देगी। इसमें मैंने कोई अपॉइंटमेंट कोई इवेंट सेट नहीं किया। अगर मैं अपॉइंटमेंट और इवेंट इसमें सेट कर चुका होता कैलेंडर के अंदर तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आ जाती और यहाँ पे वो दिखाई देती आपको। फिलहाल ये कैलेंडर यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो आप ऐसे कैलेंडर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि मुझे बताना था, दिखाया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो चुका है कैसे ऐड होते हैं। लेकिन जब हम कैलेंडर में कुछ इवेंट्स वगैरह सेट करते हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा कि हमारे कौन से टाइम पे क्या इवेंट है, और आप सेंड करना चाहते किसी को तो वो सेंड कर सकते। जैसे आपके बॉस के पूरे इवेंट्स आपने मैनेज किए आज के, तो आज के इवेंट्स उनको मेल करने आपको, जो भी इवेंट्स मीटिंग्स व्हाटएवर, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ से जाकर अटैच आइटम में जाकर कैलेंडर को आपको अटैच करना है और अटैच कर दो, दैट्स इट। कैलेंडर के उस दिन के या वो पूरे वीक के यहाँ पे ऑप्शन भी आता है आपको, कैलेंडर आ रहा है फिर उसके बाद टुडे टुमारो नेक्स्ट सेवन डेज के क्या आपके डेट्स है, क्या अपॉइंटमेंट है, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी आपको। सो पुराने नहीं आएगा बिल्कुल भी, उसका ज़रूरत भी नहीं रहेगा। स्पेसिफाई डेट का चाहिए इस डेट से लेकर इस डेट का, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो होता क्या है, जब आप कैलेंडर में अपॉइंटमेंट सेट करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी अगर आपने सेट की रहेगी तो, राइट। तो फिलहाल तो मैंने सेट नहीं किया, और टाइटल ऑटोमेटिक सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आएगा, सतीश जोड़े कैलेंडर जो भी है आपका ईमेल में जो भी हेडिंग रहेगा वो आ जाएगा। आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, अटैचमेंट में ही आउटलुक आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आउटलुक आइटम में यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आउटलुक की मिल जाएगी, जैसे कैलेंडर तो आउटलुक का आइटम है, कैलेंडर भी है, और यहाँ पे बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी चीज़ें वो आप यहाँ से डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। मतलब आउटलुक के सारे कॉन्टैक्ट्स आपको भेज देने हैं आपके सीनियर्स को या किसको भी, तो आप यहाँ से वो भेज सकते हैं, बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और कॉन्टैक्ट में लिस्ट भी आ सकता है, अगर आपके कॉन्टैक्ट प्रिय तो वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट भी सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में किसी को कॉन्टैक्ट सेंड करने के लिए आता है, वैसे ही ये यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। तो एज ए अटैचमेंट ये सेंड होगा, या एज अ टेक्स्ट सेंड करना है तो एज अ टेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन भी रहता है कि एज अ अटैचमेंट सेंड करना है या टेक्स्ट करके सेंड करना है, तो ये चेक कर सकते हैं आप। लेकिन ये चीज़ें क्रिएट नहीं है मेरे पास, इसलिए अभी नहीं हो रही सेंड, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना आगे सीखने वाले, तब कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आएंगे और कॉन्टैक्ट्स भी सेंड कर पाएंगे हम, बस दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन सिग्नेचर हम यहाँ पे बना सकते हैं, और सिग्नेचर पे क्लिक करना है बनाने के लिए। जब आप सिग्नेचर्स पे क्लिक करते हैं, वैसे सिग्नेचर बनाने के लिए बाहर भी ऑप्शन है ईमेल के अलावा, लेकिन यहाँ पे बना लेते हैं हम सिग्नेचर। यहाँ पे न्यू दीजिए क्लिक कीजिए और सिग्नेचर का नाम दीजिए। यहाँ पे क्या सिग्नेचर आपको देना है, लाइक आपका जो भी है, सपोज मेरा ऑफिस का सिग्नेचर है, बॉस का सिग्नेचर है, जो भी है मैनेजर का सिग्नेचर है, आप एक सिग्नेचर अलग अलग सिग्नेचर्स ऐड करने तो आपको अलग अलग सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं पहला मैनेजर का सिग्नेचर ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैनेजर सिलेक्टेड है और यहाँ पे मुझे सिग्नेचर पूरे ऐड करने हैं उसके लिए। ये देखिए ये सिलेक्टेड है, अब मुझे यहाँ पे लोगो ऐड करना है या बिजनेस ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बिजनेस कार्ड अभी बनाया नहीं हमने। यहाँ पे हाइपरलिंक भी आप ऐड कर सकते हैं, फिलहाल लोगो ऐड करते हैं। यहाँ पे लोगो ऐड करने के लिए एक छोटा सा ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है इमेज का, इस पर क्लिक कीजिए। और अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे लोगो आ रहे हैं, मेरे सभी चैनल्स के लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, फिलहाल छोटे साइज़ का लोगो लेता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, ये वाला आई थिंक सो। हाँ ये छोटी साइज़ का लोगो है और मैं इंसर्ट कर देता हूँ, बड़ा लूँगा तो वहाँ पे फिर वो बहुत बड़ी सिग्नेचर में आ जाएगा, तो ये लिया मैंने। फिर उसके इसे थोड़ा सा नीचे रखना है, और फिर चाहिए तो उसके ऊपर कुछ लिखना है या नीचे लिखना है, तो नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैनेजर या जो भी है डेजिग्नेशन वगैरह, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, यू कैन ऐड इट लाइक दिस 0022 एग्जाम्पल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी ऐड कर देता हूँ।
तो ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ओके करना है। देखिए सिग्नेचर के लिए मैंने क्या क्या किया, ये सिग्नेचर नीचे तो डिलीट है, न्यू करना है, सेव करना है, सेव कर सकते हैं आप, ये सिग्नेचर को सेव करके रख दो और फिर फाइनली ओके करना है। सिग्नेचर का नाम बदलना है, मैनेजर की जगह इसका कुछ और नाम रखना है, तो ओके कर लो और सेव कर लो। सेव करने के बाद अभी आपके ईमेल में वो सिग्नेचर चाहिए तो नीचे बॉडी में क्लिक करो, ये जो मैसेज बॉडी है देखिए यहाँ पे टू में ईमेल आईडी डालोगे जिसको सेंड करना है। जैसे मैंने ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले से अभी, क्योंकि पहले अगर किसी को ईमेल सेंड किया जैसे जीमेल में होता है ना वो ईमेल आईडी आपके आउटलुक में भी वैसे ही दिखाई देगा। तो उसके बाद सीसी में किसका और ईमेल आईडी टाइप करना है, यहाँ पे हम सिग्नेचर सीख रहे हैं, सिग्नेचर ही भेजते बस उसको, तो सिग्नेचर मैंने लिख दिया बाकी सब्जेक्ट में। और यहाँ पे सिग्नेचर में क्लिक करो और यहाँ पे मैनेजर नाम दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर देना है। मैनेजर पे जैसे क्लिक करोगे वो सिग्नेचर यहाँ पे ऐड करेगी, ऊपर जो मेल लिखना है लिखो नीचे ये और एंटर करके आपको सिग्नेचर रखना है तो रख सकते हैं। और ये मेल सेंड करोगे तो उसे सेंड हो जाएगा, अगर आप उसके ईमेल आईडी इनबॉक्स में जाके चेक करोगे तो आपको ये ईमेल दिखाई देगा। और मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सेंड होता है, मैंने ऑलरेडी चेक किया है और मैंने बहुत बार यूज़ भी किया है इसे, तो आप भी ट्राई करके देखिए ये सेंड हो जाएगा। बस आपका ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर होना चाहिए और पार्ट वन में मैंने बताया कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पहले सबसे पहले तो हमने वही सीखा है राइट। साथ में इस मेल को आपको फॉलोअप देना है, जैसे इसको फॉलोअप देना है आपको कि ये कैसे, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि हाई इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे हाई इंपॉर्टेंस मार्क करके आप भेजो, लो इंपॉर्टेंस है इसको बाद में सेकेंड कैटेगरी का ईमेल है तो उसे लो इंपॉर्टेंस ऐसे स्टेटस या टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग मैसेज भी कर सकते हैं, आफ्टर दिस मैसेज इज सेंड इट विल बी अ फ्लैग फॉर यू विद द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉलोअप, है ना। तो आपको एक इंफॉर्मेशन फॉलोअप के लिए एक फ्लैग होते रहेगा ये जैसे ये सेंड होगा। फिलहाल हम सेंड करते हैं उसे, हमने फ्लैग किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट भी मार्क हमने किया था, तो जो चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे सेंड हो चुका है वो राइट।